हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन है थोड़ा हटकर है, ऐसी चीज़ हमने पहले कभी नहीं करी है, पहली बार करने वाले हैं। खैर, आप लोगों को पता होगा हम स्टाफ नोटेशन नहीं करते हैं। स्टाफ नोटेशन का मतलब ये जो ट्रिनिटी कॉलेज और लंदन की डिग्रियाँ होती है, सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें पीसेज होते हैं जो हम पढ़ के करते हैं, म्यूजिक शीट कहते हैं जिसको, स्टाफ नोटेशन। ठीक है, तो ये हम नहीं करते हैं, खैर करने भी नहीं वाले हम। क्या करेंगे, मैंने ये जो पीस है, ओल्ड मैकडोनल्ड सॉन्ग है, आपने सुन रखा होगा, स्कूल्स वगैरह में भी करते हैं हम ओल्ड मैकडोनल्ड। ठीक है, मुझे सुनने में अच्छा लगा, मैंने थोड़ा देख के बजाया इसको, जो रीड करके मैंने प्ले करा, सोचा आपको सीधा प्ले करने से कहूंगा। खैर, स्टाफ रीडिंग हम नहीं करेंगे, जैसे कि पता है हमारे चैनल पर ऐसा कंटेंट नहीं है, हमारा हटके आता है चैनल, मतलब कंटेंट हमारा बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमारा स्टाफ रीडिंग के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो खैर मैं प्ले करूंगा और आपको प्ले करना सिखाऊंगा कि दोनों हाथों से कैसे करना है। स्टाफ के थ्रू नहीं करेंगे, स्टाफ के थ्रू मैंने देखा है और उसके बिना मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। अगर आप स्टाफ रीडिंग के हिसाब से आए हो ये सीखने कि स्टाफ रीडिंग हम करेंगे बुक से देख के, तो नहीं यार, मैं पहले ही बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, कि हम स्टाफ रीडिंग से पढ़ के नहीं करेंगे। मैं आपको प्ले करके बताऊंगा और उसके हिसाब से सिखाऊंगा दोनों हाथों से। एक एक्सरसाइज के तौर पे भी आप कर सकते हो, सॉन्ग के तौर पे आपको अच्छा भी लगेगा बजाने में, आपका मन भी लग जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पहले मैं प्ले करके दिखाऊंगा। ऐसी कुछ है। ठीक है, तो खैर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को स्टाफ न्यूट्रिशन आता हो, क्योंकि मैंने देखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ लोग जो ग्रेड 4 5 के हैं, उनको तो आता होगा, साफ सी बात है, उनके लिए तो बहुत माइनर चीज़ है। ठीक है, तो उनको तो बेकार सी लगेगी, पर हाँ जो बिगनर है, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको ये पीस करूंगा मैं साइड रीडिंग के हिसाब से। नहीं कहीं आप सोचो ये जो नोट्स लिखे हैं भाई ये कैसे पढ़ने हैं, ऐसा पढ़ने का हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा कंटेंट अलग होता है, अगर आप फॉलो करते हो रेगुलर आपको पता होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बजाया है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब खैर बुक का कुछ काम है नहीं, तो बुक ऐसे ही खुले रहने दो। ठीक है, ओल्ड मैकडोनल्ड नाम है, ओल्ड मैकडोनल्ड अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो कहीं से, आप स्टाफ शीट भी आपको मिल सकती है, म्यूजिक शीट भी आपको मिल सकती है, इसकी सुन भी सकते हो। तो ये जो मैंने प्ले करा था यही सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो कैसे करा था, देखो बहुत ईजी है, 3 बार सी को हमने प्रेस करा था, देखो सी नोट को थम से। ठीक है, सेंटर ऑफ द कीबोर्ड जो होता है सी होता है, हमारा सी इज द सेंटर ऑफ द कीबोर्ड, सी सेंटर है कीबोर्ड का, तो सेंटर वाला सी लेना है आपको। ठीक है, तो सी को 3 बार प्रेस करो थंब से, लेफ्ट से जी नोट पे फोर्थ फिंगर रखना, याद रखो ये, जैसे समझ लो हमारी फिंगर कैसे चलेंगे, मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सी से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सी पे रखो थंब, आपके दोनों थंब सी पे रहेंगे। अब देखो सी को 3 बार करना राइट हैंड से, 1 2 3। ठीक है, अब जी नोट लेफ्ट में, जी नोट, ठीक, टा 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 हो गया ना, टा 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 टा। ठीक है, जी नोट पे फोर्थ फिंगर है। अब ये जो करा मैंने टन टन टा, ये ए नोट को 2 बार प्रेस करा है, फिर जी को सिंपल, मैं बताता हूं इसमें काउंट्स का फर्क होता है। मैंने 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड आपको पहले भी बता रखा है, अगर आपको वीडियो देखते हो तो पता होगा। ठीक है, तो ये जैसे चल रहा है 1 1 एंड 2 एंड 3 एंड, यूं चलता है ना, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ठीक है, तो 1 2 और 3 नोट पे हमारा सी नोट प्ले हो रहा है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पे हमारा लेफ्ट हैंड आ रहा है, 3 नोट हमारे राइट में चल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ए जी जी पे मैंने 1 बार प्रेस करा है, लेकिन काउंट 2 करना है यहाँ पे, देखो ए 1 2 3 4, 4 के लिए दबाए रखना है हमारे को, मतलब ये मतलब चलो छोड़ भी सकते हो आप, छोड़ भी सकते हो, दबाए भी रख सकते हो, ऑप्शनल है। वैसे म्यूजिक शीट के हिसाब से देखा जाए तो दबाए रखना है 2 काउंट तक। ठीक है, टन 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 ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना समझ आ गया ना, देखो टन 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 टन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे भी देखो ई डी डी, वैसे दिख रहा होगा बहुत सिंपल है, ई डी डी, सी पे 4 काउंट के लिए रुकना है, 1 2 3 4, दोबारा देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
पे रुका मैं, म्यूजिक शीट के हिसाब से ऐसा है। बाकी बजाने में हम इसमें बहुत कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा काफी लोगों ने प्ले करके डाला है, मतलब बहुत अलग स्टाइल में। ये तो बहुत एडवांस है, ऐसा नहीं करना है। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत इस गाने को अलग अलग लेवल अलग अलग तरीके से प्ले कर रहे हैं। हम बहुत नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, एक्सरसाइज के तौर पर भी कह सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलरली ऐसा मत समझना कि हम ये पीस तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको पता होगा अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो, हम ये स्टाफ नोटेशन साइड रीडिंग नहीं करते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन की पढ़ाई हमारे इस चैनल पे नहीं होती है, ठीक है। हमारा कंटेंट हमेशा अलग चलता है, आपको पता होगा। बट मैंने सोचा ये अच्छा सा लगा सुनने में, मैंने कहा चलो बजा के यार एक एक्सरसाइज के तौर पे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वही मैंने प्ले करा और उस हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ एग्जैक्ट जो म्यूजिक शीट में लिखा है, ठीक है। इसकी फोटो भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, हो सकता है आपको पढ़ने आता हो तो मैं वीडियो में ये शीट डाल दूंगा, देख सकते हो। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 E E D D C 1 2 3 4 1 2 3 4। दोबारा सेम है, ये दो बार्स हैं, दोनों बार सेम चलेगा। देखो देखो फिर सेम, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों को बोरिंग भी लग रहा हो, सकता है अच्छा भी लग रहा हो, मुझे भी कुछ नहीं पता। मैंने ऐसा चीज पहली बार शुरू करी है, ठीक है, कि यार ये जो है इनमें काफी सारे पेजेस हैं, कुछ मैंने सोचा ऐसे पीसेस डालूंगा। मेरे को थोड़े बहुत लोग कह रहे थे कि प्लीज डाले करो, आप अपलोड करो ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने सोचा जो मैं प्ले कर पाऊंगा मेरे लाइक, वो अगर कुछ प्ले करना तो भाई मैं डाल दूंगा। बहुत ज्यादा तो खैर एडवांस मुझे प्ले करना नहीं आता है, जितना भी मेरे से कैपेबल होगा मैं भाई करवा दूंगा। बाकी साइड रीडिंग तो खैर हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो अलग चीज हो जाती है बिल्कुल। हमारा कंटेंट हमेशा अलग चलता है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको नोट्स बताया ना, सी पे तीन बार आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 फॉलो करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ लिखा, देखो 1 2 3 4। जी नोट पे मैं 3 और 4 कर रहा हूँ, 3 4 पे दोबारा टैप नहीं करूंगा, लेकिन वेट करना है मुझे। ये म्यूजिक शीट में लिखा है, मैं नहीं कर रहा, वो म्यूजिक शीट कह रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सी पे 4 बार तक रुकना है, म्यूजिक शीट कह रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ठीक है। बाकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने प्ले करके दिखाया था, दोबारा सेम रिपीट है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका एक लेवल ये हो जाता है। अगर आप यूट्यूब पे सुनो, हो सकता है आप सोचो कि जो मैंने दिखाया वो तो अलग है, यूट्यूब पे बहुत लोग अलग बजा रहे हैं, तो भाई बहुत तरीके से बज जाता है। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि इस ओल्ड मैकडॉनल्ड पे ना एक एडवांस तरीके का सॉन्ग इसको बनाकर अपलोड करूं, ठीक है। कि ये जो खुद की चीजें ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो कि ये जो मैंने अभी बजाया है थोड़ा एडवांस वो कहीं म्यूजिक शीट से, नहीं भाई म्यूजिक शीट से कहीं से नहीं सीखा, ये खुद का ही है। बस म्यूजिक शीट से केवल इतना ही सीखा है जो बजाकर सिखा रहा हूं आपको। ये म्यूजिक शीट से सीखा है, ठीक है बस। और जो कॉर्ड ये बाद में करा है मैंने, जो मैं प्ले करके दिखा रहा था आपको फास्ट, काफी चीजें ये मैंने खुद से इसमें इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करी कि कॉर्ड्स वगैरह के साथ, और राइट हैंड में 3 नोट हारमोनीज यूज करके, ठीक है। इसको अलग से कोशिश करेंगे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे को कमेंट करके व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मैसेज करके बताओ कि हाँ ये इस टाइप का आपको कुछ थोड़ा बहुत करना चाहते हो, एक्सरसाइज के तौर पे या सॉन्ग के तौर पे, या मतलब आपका मन लग जाए कुछ प्ले करने में। कई बार लोगों को समझ नहीं आता ना, तो इसको एक्सरसाइज फिंगर एक्सरसाइज की तरह, और आपकी खैर वेस्टर्न म्यूजिक तो इंप्रूव होगा, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक इंप्रूव होगा। अगर आप बाई चांस ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कोई ग्रेड्स कर रहे हो, खैर ये तो बिल्कुल बिगनर के लिए है, जो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। बट जो बिगनर है, अगर उन्होंने शुरू करा है, तो शायद आपको शायद थोड़ा बहुत फायदेमंद हो, ठीक है, कि सुन के आप कर सकते हो जैसे बताया। फिर इसको और एडवांस तरीके मैं कोशिश करूंगा सीखेंगे इसको और एडवांस तरीके से, ठीक है। तो एक्सरसाइज के तौर पर भी हम कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे पीसेज हैं, सॉन्ग्स हैं जो मेरे को थोड़े अच्छे लग रहे थे सुनने में, मैं सोचा बजाता हूँ, जो भी मतलब मेरे लिए पॉसिबल हो, मेरे लिए लाइक हुआ मेरे लाइक, तो भाई बनाकर डालूंगा, ठीक है ऐसी। तो बाकी चलो दोस्तों, आप ख्याल रखो, मैं भी अपने ख्याल रखता हूँ, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।